सो गाइस देखिए यहाँ पे है पूरा इकट्ठा करके रख, काफी ही मेहनत करना पड़ता है। भले ही प्री का माल हो, प्री का सामान हो, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। सो गाइस ये रहा यहाँ पे देखिए तो वहाँ से एक छोटा छोटा एक एक। गाइस स्वागत करते हैं और एक नया वीडियो पे, तो इस वीडियो पे जरूर एंड तक बने रहना। तो दोस्तों हम आज है जा रहे हैं जंगल, क्योंकि जंगल में क्या करने जा रहे हैं बोलने से, तो आज हम जाएंगे इलायची तोड़ने। हाँ जी सही सुना है, इलायची कार्डिमोम जो कि हमारा यहाँ में आज जंगल में पाया जाता है इलायची, तो आप सभी को वाइल्ड वाइल्ड इलायची बोल के जाना जाता है। तो आप सभी को उसको दिखाने के लिए कोशिश करेगा, उससे क्या होता है, क्या मिलता है, उसका रेट कितना है, उसका पैसा कितना है, तो आप सभी को मैं इस वीडियो पे दिखाने जा रहा हूँ। तो आप सभी बने रहना, क्योंकि यहाँ पे हमारा यहाँ पे जंगल में इलायची पाया जाता है, जो जंगलों में उसका भी आजकल बहुत ही रेट बढ़ चुका है, तो इसीलिए हम अभी उसके लिए उसको सर्च करने जा रहा है। तो हम अभी जा रहा है, तो हम फिलहाल अभी अकेला है, तो मेरा मम्मी पापा लोग आगे चला गया है, तो हम लोग आज जितना मिलेगा आप सभी को दिखाने के लिए कोशिश करेगा, तो उससे क्या काम होता है, कितना पैसा मिलता है, क्यों ढूंढता है, कहाँ मिलता है, क्या होता है, तो आप सभी को इस वीडियो पे ज़रूर बताऊंगा। तो आप सभी प्लीज़ एंड तक बने रहना। तो गाइस चलिए, कुछ आज का नज़ारा बहुत फोगी फोगी है, देख सकते हैं आप सभी। तो जी हम अभी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, जो वहाँ पे एक स्कूटी है, तो उन लोग यहाँ में गया होगा। तो बेसिकली आप सभी को बता दूँ कि वो कर्ज में मोबाइल खदिमो ये वाला एक यहाँ में एक पत्ता देख रहे हैं। हाँ जी ये वाला है, ये है इलायची। ये इसको शुरुआत में आदमी लोग नहीं जानता था, तो इसको रिसेंटली हर कोई इसको जान के इसका गुटी को है, जो इलायची का जो गुटी है होता है, तो उन लोग को इकट्ठा करके तो केजी केजी में बेचता है। तो आप सभी को दिखाओ यहाँ पे आजकल ये इलायची जो है जंगल में बहुत मिल जाता है, तो बहुत काफ़ी जंगल में ज़्यादा है। तो अभी मुझे पता नहीं यहाँ पे नीचे की ओर जाना पड़ेगा शायद। हाँ गाइस देखिए यहाँ पे पूरा इलायची। तो गाइस हम लोग बेसिकली उसको है हम लोग ओक्तलंग बोल के जानना चाहता है, तो आप सभी का एरिया में शायद पाया भी जाएगा होगा, तो आप लोग क्या नाम से बोलता है तो ज़रूर बताना। तो अभी हम यहाँ से ये बेरा क्रॉस करके नीचे जाने के लिए ट्राई करेगा। काफी खतरनाक है रोड, ओह माय गॉड। हाँ तो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना मौसम आज क्या हो गया पता नहीं, इतना मौसम फोगी दिख रहा है गाइस। तो अभी मैं आप सभी को सामने से दिखा दूँ, ये रहा देखिए यहाँ पे इलायची, इसको खा जाता है, इसको ओक्तलंग की ओर हम लोग का भाषा से जाना जाता है। तो आप सभी इसको बता के देखना आप लोग क्या कहते हैं इसको अपना लैंग्वेज में। तो यहाँ पे देखिए पूरा जंगल में पूरा घेर के है, ये पूरा जगह जगह में फैल के बैठा हुआ है, और यहाँ पे देखिए पिताजी बुके ला रहा है। पापा इजक पप्पा है भाई। जी हाँ गाइस, तो आप सभी देख रहे होगा ये पे जितना भी यहाँ पीछे में जो देख रहा है ये सब इलायची का माँ है, आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ गिरा के तो इसका जो इसको खा भी सकता है, इसका बहुत मीठा होता है, इलायची जैसे तेज होता है, बहुत मीठा होता है। मैं टेस्ट करके देखता हूँ,
देखिए कुछ इस तरह से होता है, काफ़ी मिलता है। तो गाइस जितना भी यहाँ पे एलर्जी देख रहे हैं चैनल, तो इसका मैं रेट बता दूँ। ये गाइस ये जो है पर्स में जो कि हम लोग का इंसान लोग होते थे वो लोग बस इलायची, बस इलायची को सूप बनाता था। तो यहाँ पे देखिए वो खेती में है, वहाँ में इलायची है असली रेल वाला इलायची। तो इसका जो पहले में हर कोई नहीं जानता था, इसको मालूम नहीं था कि ये इसका भी इलायची का जैसे काम होता है, उनके इससे सेल करता है, उनके हर कोई नहीं जानता था। तो इसको रिसेंटली हर कोई जानने लग गया, बच्चों बच्चों जानने लग गया, तो हर कोई तोड़ना शुरू हो गया। तो इसका रेट जो होता है कि हम लोग का यहाँ से 60 रुपीज़, हाँ ओनली 60 रुपीज़, तो पर केजी 60 रुपीज़ होता है। तो यहाँ से जो ख़रीद के जो बाहर ले जाता है उन लोग पता नहीं किलो को 80 ऐसे समथिंग बेचता होगा, तो उसका आइडिया तो नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे तो रेट तो मेरा ख्याल से ठीक है, ना कि हम लोग ये इलायची को हम लोग ने ना बागान किया, ना सफाई किया, ना हार्वेस्ट किया। तो ऐसे यू जंगल में उगने वाला को ऐसे जंगल में देखिए हम लोग ऐसे उतार के, हम लोग ऐसे रेत बना के ऐसे करके, ये भी एक बात सही बात है। तो अभी मैं सामने जाके दिखाता हूँ, थोड़ा स्टाइल आइजा दिखाता हूँ इस तरह से तोड़ा जाता है। सो गाइस देखिए यहाँ पे है, पूरा इकट्ठा करके रख चुका है। देखिए ये देखो पूरा इलायची जैसे है, देखिए देख सकते हैं। और ये इलायची से थोड़ा बड़ा है, देखिए क्या आप लोग कभी इस तरह इलायची देखा है? तो नहीं देखा तो, देखा तो कमेंट पे ज़रूर कर देना। देखिए यहाँ पे है, वहाँ पे भी पूरा जितना भी यहाँ पे है सब इलायची इलायची, देखिए। सो गाइस इसको जो है हम अभी प्लास्टिक पे जमा करके, तो अभी मैं उठा के ले जाऊंगा। तो ये है, आप लोग को इसको दिखाने चाहता था तो आपसे भी देख लिया। तो इसको अभी हम जो है पैक करके यहाँ से ऊपर रास्ता का ऊपर पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता भी बहुत स्लिप है। सो गाइस इसको जो है इसको पूरा एक एक निकल के जमा करके सुखाना पड़ता है, सुखाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ऐसे करके करके के सुखाना पड़ता है, सुखा के केजी गिनता है, नहीं तो ऐसे केजी नहीं गिनता है। तो आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, इसको आगे पहले एक एक करके इसको पूरा पीस पीस करके जमा कर लेते हैं। इसके बाद सुखाने के लिए समय लगता है, सुखाने के बाद केजी पर केजी के हिसाब से इसको सेल किया जाता है। फाइनली उठा लिया मैं, तो अभी इसको ऊपर रास्ता तक पहुंचाना तो काफ़ी ही तकलीफ होगी लग रही है। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है, देखिए इस। देखिए यहाँ पे हम लोग पूरा रास्ता का ऊपर पूरा ला दिया है। यहाँ में भी देखिए ये मेरा लाने वाला, ये पिताजी का लाने वाला। तो गाइस काफ़ी ही मेहनत करना पड़ता है, भले ही प्री का माल हो, प्री का सामान हो, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। तो गाइस हमने जो बोला था जो कैसे ये इलायची को तोड़ता है तो कैसे दिखेगा, आप सभी को बोला था जी हाँ मैं ज़रूर दिखाऊंगा, मैं कैसे सुखाते हैं उसको भी मैं दिखाऊंगा आप सभी को, यहाँ से कैसे एक एक पाल करते हैं, टुकड़ा करके कैसे सुखाते हैं, वो सब आप सभी को हम उसका प्रोसेस दिखाएगा सभी को। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि
अभी जो है कि हम वहाँ पे जैसे पहुँचा तो मम्मी ने पूरा कट के रख दिया, तो उसका सामने पहुँचने ही नहीं सका कि इसको बुकना पड़ा, तो उसका सामने में पहुँचने से ज़रूर दिखाना था। तो बने रहना आप सभी को, मैं किस तरह से तोड़ते हैं वो भी दिखाऊँगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर इसका चर्चा बहुत चल रहा है, क्योंकि ये हम अपना लोकल का नाम से हम इसको थालिंग बोलते हैं, थालिंग ऑफ थालिंग के नाम से जाना जाता है। तो हाँ जी गाइस, तो अभी आप लोग करीब से देखिए, देखिए ये है इच्छे, ये है खोदे मोम इलायची, देखिए हाँ अब जो है हम लोग वहाँ से पूरा उतार लिया है। तो देखिए यहाँ पे पूरा उतार लिया, तो जगह में भी ज़्यादा नहीं था, तो आदमी लोग पूरा थोड़ लिया, ज़्यादा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चार पांच बस्ता हम लोग ने कलेक्ट किया है, तो उसको दो बस्ता तीन बस्ता को हम लोग आगे मम्मी पापा घर बुक के ले गया है, तो उसको हम लोग दिखाएगा आप सभी को कैसे करता है, किसके सफा करेगा दिखाएगा। तो इसको मैं अभी यहाँ से लेके जाएगा, देखिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे जमा कर चुके हैं हम लोग, तो इस तरह से इसको एक साथ रखा जाता है, और यहाँ से एक एक करके यहाँ से इसको इलायची का जैसे निकलता है, और ऐसे जमा करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए तो इसे खत खत के इसको एक एक पीस करके, तो इसे उसको सुखाते हैं तो आग में ऐसे में, तो इसके बाद सूखने वाला को भी आप सभी को दिखाऊंगा, सुखाने वाला को भी दिखाऊंगा, कैसे सूखते हैं भी बताऊंगा। देखिए एकदम तेज है इसका इलायची, बराबर तेज है। सो गाइस ये रहा यहाँ पे, देखिए रोवा से एक छोटा छोटा एक एक पीस करने का, देखिए यहाँ पे सुखाता है, देखिए इसको सुखाने का बाद, और नेक्स्ट प्रोसेस जो है कि अच्छा से सूखने का बाद इसको रख दिया जाता है। तो ये रहा देखिए थोड़ा सा, ये देखिए तो आग से इसको यूज किया जाता है, देखिए। गाइस उसके बाद जो है लास्ट प्रोसेस यहाँ पे, उसको अच्छे से सुखा के देखिए, यहाँ पूछता मामी देखिए यहाँ पे दो बस्ता बड़ा बड़ा वाला बना के रखा गया है, देखिए आपको अभी थोड़ा दिखा दो, ठीक है यहाँ पे देखिए ये बहुत ताकत हो गया है, देखिए। तो इसका अभी किलो जो इसको 1660 ऐसे रेट में बेच देता है, देखिए तो ये लगभग guys, thanks for watching.